दोस्तों, हम सब इंफॉर्मेशन की एज में जी रहे हैं। आज की इस दुनिया में बड़े तो क्या, बच्चे भी हर चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, लेकिन इनको बनाने का मकसद शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल मॉडर्न हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो से आप मिस ना हो पाए। फैक्ट नंबर 13, लैपटॉप चार्जर। दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने इसके चार्जर में ये सिलेंडर जरूर देखा होगा। हम इस सिलेंडर को देखते तो हैं, लेकिन इसका मकसद चंद लोग ही जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसे फेराइट बेल्ट कहा जाता है। ये हाई फ्रिक्वेंसी नॉइसेस को लैपटॉप के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आने से रोकता है। ये इंडक्टर होता है जो लैपटॉप के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की रेडिएशन और कंडक्शन को कंट्रोल करता है। सिंपल अंदाज में ये छोटी सी चीज बहुत ही काम की है और लैपटॉप को खराब होने से बचाती है। फैक्ट नंबर 12, हेडरेस्ट इन कार। दोस्तों, आपने हर कार में ये हेडरेस्ट जरूर देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि इनका पर्पस सर रखने का होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका मकसद सर रखना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये इस मकसद के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। इनका सबसे पहला काम ये है कि ये एक्सीडेंट के वक्त इंसानी गर्दन को टूटने से बचाया जा सके, क्योंकि एक्सीडेंट में झटका लगता है और ये अगर सर के पीछे ना हो तो इंसानी गर्दन आसानी से टूट सकती है। इसके अलावा शायद आपने नोट किया होगा कि ये हेडरेस्ट ऐसे बनाए जाते हैं कि इनको कोई भी ओपन कर सकता है। इस डिजाइन के पीछे भी एक लॉजिक है। इनका ये डिजाइन इसलिए बनाया गया है ताकि अगर गाड़ी किसी वजह से पानी में गिर जाए तो इसकी मदद से शीशे को तोड़ा जा सके। ये सच में अनबिलीवेबल है। फैक्ट नंबर 11, लॉन्ग नेक बॉटल्स। आपने कभी ड्रिंक ट्राई की होगी जिसकी नेक काफी लंबी होती है, लेकिन ये लंबी नेक एक डिजाइन से काफी ज्यादा है। ये इसलिए रखी जाती है ताकि बोटल्स को पकड़ते समय आपके हाथों की हीट बोटल तक ट्रांसफर ना हो सके। इसका मतलब है कि आप बोटल को पकड़े रह सकते हैं और आपकी बोटल काफी समय तक ठंडी रहेगी। फैक्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 10, सिंक होल। दोस्तों, हर सिंक के नीचे एक होल होता है जिसके जरिए पानी पाइप से बाहर निकल जाता है। आपने सिंक होल के कवर देखे होंगे। असल में इनका मकसद सिंक में पानी भरकर डिशेस वगैरह या चीजों को वॉश करना होता है, लेकिन इनको भरकर बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद आपने सिंक में ये साइड होल जरूर देखा होगा। ये होल हर तरह के सिंक्स में होता है, लेकिन इसको बनाने का मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल ये होल घर में पानी भर जाने से बचाने के लिए बनाया गया है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स नल ओपन करके बंद करना भूल जाए तो सिंक पानी से भर जाए तो पानी इस होल के जरिए ड्रेन पाइप में चला जाएगा और पानी सिंक से बाहर नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 9, होल्स इन एयरपोर्ट्स। दोस्तों, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो दोस्तों आपने इसके एयरपोर्ट्स पर बने अजीब होल्स तो जरूर देखे होंगे। इवन ये होल्स एप्पल हैंड फ्रीज में भी होते हैं। एक तो मेन होल होता है जिससे म्यूजिक सुना जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा होल्स भी हैंड फ्रीज में ही होते हैं। आपको शायद लगता होगा कि ये शायद माइक का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन एक्स्ट्रा होल्स को साउंड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए रखा गया है। इसके अलावा ये इंटरफेरेंस को भी मिनिमाइज करते हैं। असल में सारे स्पीकर्स वाइब्रेशन पैदा करते हैं। वाइब्रेशन प्रेशर बनाती है जो कि मटेरियल को डैमेज करती है। इसलिए एप्पल डेवलपर्स ने ये होल्स बनाए हैं जो कि ईयर सर्कुलेशन में मदद करते हैं और ये प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, जिससे साउंड क्वालिटी इम्प्रूव होती है और बेस डीप होता है। फैक्ट नंबर 8, ब्रीदर होल। अगर आपने कभी हवाई जहाज की यात्रा की है तो आपने देखा होगा कि खिड़की के नीचे एक छोटा सा छेद बना हुआ होता है। इस छेद को वास्तव में ब्रीदर होल कहते हैं, जिसका उद्देश्य खिड़की के बाहर और अंदर के दबाव को बनाए रखना होता है। अगर ये छेद नहीं होता तो बदलते दबाव के कारण आपको सांस लेने में परेशानी होती और साथ ही खिड़की को भी नुकसान पहुंचता। फैक्ट नंबर 7, स्ट्रिप्स ऑन प्लग्स। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि हेडफोन्स पर ये अनयूजुअल ब्लैक लाइंस होती हैं। कई प्लग्स पे दो तो कई में तीन लाइंस होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लाइंस सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि इनका स्पेशल पर्पस होता है। इनमें से हर स्ट्रिप वायर को हेडफोन से कनेक्ट करती है, इसलिए स्टीरियो हेडफोन्स में दो स्ट्रिप्स और जिन हैंडफ्रीज में माइक होता है इनमें तीन स्ट्रिप्स होती हैं। अगर इनमें से एक भी खराब हो जाए तो जिस हेडफोन के साथ वो कनेक्ट होती है वो काम करना छोड़ देता है। इसलिए कई दफा खराब हेडफोन्स को अगर हिलाया जाए तो वो काम करना शुरू कर देती है। फैक्ट नंबर 6, बॉल पेन लिड होल।
दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप डेली बॉल पेन का यूज करते होंगे। आपने कभी नोट किया हो कि बॉल पेन की कैप में हमेशा एक होल होता है। फिर आप चाहे किसी भी कंपनी का पेन खरीद लो, ये होल आपको जरूर मिल ही जाएगा। असल में प्रॉब्लम ये है कि 90% लोगों की आदत होती है कि वो बॉल पेन की कैप को मुंह में चबाते हैं और पेन की कैप मुंह से गले में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इवन हर साल ऐसे 100 केसेस सामने आते हैं। अगर कैप में ये होल ना हो तो सांस बंद हो जाएगी, इसलिए ये होल बनाया जाता है ताकि इस केस में एयर सर्कुलेशन हो सके। फैक्ट नंबर 5, फ्रंट पॉकेट इन जैकेट। दोस्तों आपने जींस की पॉकेट में बहुत सी पॉकेट्स देखी होंगी। ये पॉकेट्स काफी यूजफुल होती हैं। उनमें चीजों को रखा जा सकता है, लेकिन ड्रेस कोट और जैकेट में भी एक पॉकेट होती है जो बिल्कुल फ्रंट पर होती है, जिसे अब तो एक फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सूट को चार चांद लग जाती है। लेकिन 19वीं सदी में इन पॉकेट्स को टिकट पॉकेट्स कहा जाता था। लोग इनका इस्तेमाल टिकट्स रखने के लिए करते थे। इसमें हॉर्स रेस और सिनेमास की टिकट रखी जाती थी ताकि वो गुम ना हो। लेकिन आज की इस फैशन इंडस्ट्री ने इनका मेन पर्पस ही चेंज कर दिया है। फैक्ट नंबर 4, होल्स इन पॉट। दोस्तों आपके घर में खाना बनाने वाले बर्तन तो होंगे ही, जिनमें जितने भी बर्तन कुकिंग के लिए होते हैं इनके हैंडल्स में होल जरूर होगा। लेकिन आपने शायद इनको नोट किया होगा, शायद आप सोच रहे होंगे कि ये इसलिए होते हैं कि इनमें बर्तन को लटकाया जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये होल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खाना बनाते वक्त चम्मच इसके अंदर रखी जा सके, क्योंकि खाना बनाते वक्त चम्मच कहीं भी रखी जाएगी तो वो गंदी हो जाएगी। लेकिन इस होल में रखने से इससे इजीली उठाया भी जा सकता है और इससे चम्मच रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा बर्तन भी यूज नहीं करना पड़ता। फैक्ट नंबर 3, लॉलीपॉप। दोस्तों लॉलीपॉप बच्चों की फेवरेट कैंडी है, जिसको आपने भी अपने बचपन में जरूर खाया होगा। क्या आपने कभी नोट किया है कि लॉलीपॉप के आखिर में एक छोटा सा होल होता है? बच्चे समझते हैं कि ये किसी तरह की सीटी या होन के लिए होता है, लेकिन इस होल का ये मकसद बिल्कुल नहीं है। असल में इस होल की मदद से ही कैंडी स्टिक पर जमी रहती है और इसे खाते वक्त आपके मुंह में या फिर जमीन पर नहीं गिरती। इसके अलावा गले के फंसने की सूरत में ये एयर सर्कुलेशन का काम भी करती है। फैक्ट नंबर 2, होल इन लॉक। दोस्तों आप सबने पैडलॉक में ये मिनी होल जरूर देखा होगा। पहली बार देखने से ये बिल्कुल यूजलेस लगता है, लेकिन इस होल का एक अनयूजुअल पर्पस है। असल में ये लॉक को जंग लगने से बचाता है। इसकी मदद से लॉक से पानी और दूसरे लिक्विड बाहर निकल जाते हैं और ताले को जंग नहीं लगता। इसके अलावा इस होल से लॉक के मैकेनिज्म को ऑयल भी दिया जा सकता है ताकि वो प्रॉपरली काम करें। अगर ये स्मॉल होल ना हो तो ये चंद माह में ही खराब हो जाए। फैक्ट नंबर 1, टेप मेजर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग हर टेप मेजर के एंड में एक छोटा सा स्लॉट होता है। ये कोई डिजाइन नहीं बल्कि इसका एक फीचर है कि स्लॉट की मदद से आप अपने टेप मेजर के एंड हुक को एक कील या एक स्क्रू की सहायता से पकड़ सकते हैं और अपनी चीज का सही से नाप ले सकते हैं। टेप मेजर में एक और फीचर होता है, इसका एंड हुक का दांतों वाला बॉटम एज होता है, जिसका उद्देश्य निशान लगाना होता है। अगर आप टेप मेजर यूज कर रहे हैं तो आपके पास निशान लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप इस एज को अपनी चीज पर प्रेस कीजिए और आगे पीछे करते हुए स्क्रैच कीजिए और एक निशान बना लीजिए। क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसी कई जगह होती हैं जिनके ऊपर से हवाई जहाज को उड़ाना मना होता है? ऐसी जगह को हम नो फ्लाई जोन्स कहते हैं। अगर हम बात करें हमारे देश भारत की, तो हमारे यहाँ पर ताजमहल, लाल किला, संसद, राष्ट्रपति भवन, बाबा एटॉमिक सेंटर, प्रधानमंत्री आवास, तिरुपति मंदिर आदि कुछ नो फ्लाई जोन्स हैं। और ताजमहल के बारे में तो हमेशा से कहा जाता है कि ये एक बादशाह के प्रेम की निशानी है जो उसने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। लेकिन दिल्ली में बनी हुमायूं टॉम्ब यानी कि हुमायूं के मकबरे की बात कोई नहीं करता। ये उनकी पहली पत्नी महारानी बेगा बेगम ने हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनवाया था। और मैं आपको बता दूं कि हम सभी ने हमेशा से यही पढ़ा है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। दरअसल उस समय दुनिया भर के 20 से भी ज्यादा लोगों ने लाइट बल्ब के आविष्कार का दावा किया था। कई लोगों ने अपने आविष्कार को दुनिया के सामने दिखाया भी, लेकिन सभी के लाइट बल्ब में कोई ना कोई खामी थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने दूसरों के आइडियों का सहारा लेकर बस उसमें जरूरी सुधार किए थे, ये उनका अपना आइडिया भी नहीं था। ये थे हमारे कुछ आज के फैक्ट्स। आपका सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा था हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।